परात परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंद कपीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्युत बरिण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति श्री राधा माधव प्रभु की महती कृपा राधा माधव संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में श्रीमान वीरेंद्र जी प्रेमलता जी खंडेलवाल प्रधान यजमानत्व में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ भागवत जी का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हैं। देवराज इंद्र ने गोविंद के चरणों में प्रणाम किया कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसंप्रवाहो न विद्यते त्रे गृहणानुबन्ध। इंद्र ने देखा, मैंने पूरे ब्रजमंडल को बहाने का प्रयास किया, जल निमग्न करने की चेष्टा की, मैंने प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित कर दिया, पर कुछ नहीं हुआ। चरणों में आकर के साष्टांग लेट गए, लिखाए अपने ऐरावत हाथी को दूर ही छोड़ दिया और भगवान के चरणों में गिर के रो पड़े। देवराज विशुद्ध सत्गुण से परिपूर्ण है आपका श्री विग्रह। देखो, चार लीलाएं, चार चीजें बड़ी समझने की होती हैं, नाम रूप लीला और धाम, और ये चारों ही सत्व गुणात्मक होते हैं। ये चारों सत्व गुणात्मक हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। भगवान का नाम भी सत्गुणात्मक है, भगवान का रूप भी गुणात्मक है सत्व, भगवान की लीला भी सत्गुण से परिपूर्ण है, और भगवान का धाम भी सत्गुण का साक्षात उद्गम है। इन चारों में रजोगुण और तमोगुण नहीं होता। ध्यान से सुनना, देवराज इंद्र कहते हैं, इसलिए भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीला का श्रवण और दर्शन करो, और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। चार हो गए ना, खूब नाम जपो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय,
जप करने में कोताही नहीं करते। अच्छा, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के हाथ में वो कबीर जी का एक दोहा पड़ गया है। अब कबीर जी ने किस कारण से लिखा था ये तो लोगों को मालूम नहीं, पर आलसी टाइप के जो लोग हैं उनको बड़ा बल मिल गया सोने का। बोलो जय श्री कृष्ण। माला फेरत जग, क्या हुआ? मुआ मुआ मर गया। माला फेरत जग मुआ और मितान मन का फेर। फिर देखो क्या बोलते हैं, अरे कर का मन का छोड़ के मन का फेर। ये आलसी लोगों का आलस और बढ़ाने के लिए बढ़िया भारी स्टाम्प मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया। जिनको 2 बजे तक टीवी देखने की आदत है, वी टीवी और फलाना टीवी और ढिकाना टीवी, और 11 बजे सो करके जो उठते हैं और उठते ही मुंह बाद में धोएंगे, पहले चाय चाहिए। अरे मैंने कहा मुंह तो धो लिया करो भले आदमी, चाय और बिस्कुट। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, जिसमें कूट कूट कर विष भरा हो उसी को बोलते हैं बिस्कुट। बिस्कुट मुंह धोएंगे बाद में। प्रभाते कप दर्शनम, कई लोग तो चदरिया में से मुंह ही नहीं निकालते। जब सूरज की रोशनी खिड़की को चीरते हुए श्रीमान जी के माथे पर आकर के टिमटिमाती है तो चदरिया में से अंदर से चिल्लाते हैं, चाय बन गई क्या? धर्मपत्नी जी बिचारी कप लेकर के आती हैं, चलो मुखारविंद निकालो बन गई चाय। तो प्रभाते कप दर्शनम, प्रभात में चाय कप दर्शन करते। अरे भाई थोड़ा पाठ किया करो, थोड़ा माला जपा करो, थोड़ा पूजा किया करो, ये कोई तरीका है? हैं? 11 बजे तुम सो करके उठ रहे हो और उठते ही बिना मुंह धोए चाय पी रहे हो भले आदमी, वो भी 20 कूट के साथ में। हैं? तो क्या बोलते हैं पता है? कर का मन का छोड़ के मन का फेर। हम कर की माला नहीं जपते, हम तो मन में चलता अजपा जाप चल रहा है। आह, श्वास श्वास पे चल रहा। मैंने तुम सो रहे थे तब भी जप रहे थे, वो 24 घंटे ही चलता है। आह, आलसी लोगों को मिल गया बल। शास्त्र कहते हैं जिसने कर्मे माला नहीं जपी वो अजपा जाप कभी जप ही नहीं सकता। जिसने हाथ की माला में अभ्यास नहीं किया मंत्र जपने का, वो कभी मन का फेर ही नहीं सकता। माला जपने का मतलब होता है माला छूट जाए, और जब तक माला नहीं छूटे तब तक जपते ही चलो, जपते ही चलो, जपते ही चलो। और एक समय वो आएगा कि माला अपने आप छूट जाएगी और तुम सो जाओगे ना, तो सोने पर भी तुम्हारे ओठ चलते रहेंगे, इतना अभ्यास हो जाएगा। ये माला का करंट है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, यदि तुम्हारे दाहिने हाथ में तुलसी की माला है तो वो माला तुम्हारे बाएं हाथ में या दूसरे हाथ में न तो शराब की बोतल आने देगी और न सिगरेट को छूने देगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये माला की ताकत है। माला जपो, मंत्र जपो। एक स्टेज वो आएगी कि माला छूट जाएगी। मुझे, मैं छोटा था मुझे याद है, ये बात है आज से 45 वर्ष पहले की।
या 44 वर्ष तो पक्का हो गया। मैं अध्ययन चल रहा था मेरा और थोड़ी थोड़ी कथा गुरुजी के संग जाके करता था, छोटा था मैं, कोई 8-9 साल का था। तो एक सेठ जी आते थे मेरे गुरुदेव की कथा में, वो माला बड़ी जपते थे, एकदम माला चलती रहती थी उनकी, पति पत्नी दोनों वृंदावन वास करते, बुजुर्ग थे और कथा में आकर बैठ जाते ऐसे माला जपते। और मैं अपने गुरुदेव का थैला लेके जाता था कथा में, तो सेठ जी ने वो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले मुझसे कहा, लाला सुनो कल हमारे घर आ जाओगे तुम? मैंने कहा क्यों? बोले मुझे कुछ देना है। अक्षय तृतीया को देते हैं ना हम लोग, पंडित जी को बुलाते हैं तो उनको तिल देते हैं और पता नहीं क्या क्या देते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं उसमें बीच में चौनी भर देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कई जगह तिल के लड्डू में गुप्त दान करते हैं ना, तो तिल के लड्डू में गिन्नी भर के दे देते हैं। अब जिसकी जितनी क्षमता, कई लोग तिल के लड्डू में चौनी 5 पैसे 10 पैसे कुछ भी रख देते, बड़ा तिल चावल सब कुछ देते हैं, सतुआ भी देते। मैंने कहा ठीक है मैं कल आऊंगा। अब मैं स्कूल में पढ़ता था तो लेट हो गया, नहीं पहुंचा टाइम पर। फिर थोड़ा मैं पहुंचा तब तक बेचारे सेठ जी सो गए, माता जी बैठी थी सब सामान सजा के कि ठाकुर जी आए तो उनको दूं। मैं पहुंच गया तो चटाई पर सेठ जी सो रहे थे गहरी नींद में, दिन के 2:30 बजे की बात है, और उनके हाथ में माला थी, गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने देखा चटाई पर सोते सोते उनके ओठ चल रहे थे ऐसे, तो मैंने पूछ लिया माता जी ये इनका ओठ क्यों चल रहा है? तो बोली बेटा ये हमेशा माला जपते रहते हैं ना, हमेशा भजन करते रहते हैं ना, तो सोने के बाद भी ओठ चलते ही रहते हैं, वो रुकता नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने गुरुदेव को जाके बताया तो गुरुजी बोले बहुत ऊंची स्टेज है ये, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। ऐसा जब करो माला पर कि माला छूट जाए और बिना माला के चले, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी तुम्हारे श्वास श्वास में चलेगा, और एक स्टेज तो ऐसी आएगी कि तुम्हारा जप बंद हो जाएगा और उसका जप शुरू हो जाएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। कि माला जपेन कर जपे जिहुआ जपहिन राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। अरे बाबा माला वाला नहीं जपते आजकल, क्या बात है, हैं बुढ़ापे में बिगड़ गए? बोले अब हमारी माला तो छूट गई है, मंत्र फंतर तो जपते नहीं है, तो फिर अब कैसे काम चलता है? बोले अब हमारा मंत्र राम जी जप रहे हैं, अब हमारा सुमिरन हरि कर रहे हैं, मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए नाटक नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक होता है, इसलिए नाम जपो। और जो लोग कहते हैं कि माला की जरूरत नहीं, हम तो अजपा जाप करते हैं, 120% झूठ बोलते हैं, 100% नहीं 120% पागल बना रहे हैं आपको टोटली। खूब माला जपो, मंत्र जाप करो, रूप का चिंतन करो, लीला का श्रवण करो, दर्शन करो, धाम में जाने की चेष्टा करो। देवराज इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं कि पिता गुरुस्तम जगता मधीसो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनु समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानी।
आप ही जगत के पिता हो, आप ही जगत के माता हो, आप ही भाई बंधु हो। अरे भाई, हम लोग तो मंदिर में जाके बोलते ही है ना, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसको मानना है, दिल से मानना चाहिए। वास्तव में तो माता पिता बंधु सखा सब, अर्जुन गीता में कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर् गरीयान्। सब कुछ तो भगवान है। देवराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान बोले, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं देवराज, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले, एक वर दे दो। अब ब्रज छोड़कर जाने का मन नहीं है। ब्रजतज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ये ब्रज रस है, और एक बार इसका चस्का लग जाए तो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी भी फालतू लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ नहीं, ब्रज की रज में पड़े रहो और गोविंद गोविंद जपते रहो। हमारे कन्हैया कहीं जाते हैं क्या? श्री कृष्णस्य द्विधा रूपो द्विभुजश्च चतुर्भुज, चतुर्भुजश्च वैकुंठे गोलोके द्विभुज स्वयं। कृष्ण के दो रूप हैं, एक चतुर्भुज रूपधारी, एक द्विभुज रूपधारी। जो चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में रहते हैं, और गोलोक बिहारी जो श्री कृष्ण हैं, वो नंद के पुत्र कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं, और वैकुंठ बिहारी जो कृष्ण हैं, वो वसुदेव नंदन कृष्ण बन के आते हैं। और वसुदेव जी अपने बेटे को लेकर के जब गोकुल में आए तो नंद जी की पत्नी के दो बच्चे थे, ऐसा लिखा है, नंद पत्नियाम यशोदायाम मिथुनम समजायत। मिथुन माने जुड़वा। नजरानी की बगल में यहां बेटा था, इधर बेटी थी। वसुदेव जी बोले, यहां तो ऑलरेडी बेटा है मेरे जैसा ही। वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को वहां लिटाना चाहा तो वसुदेव नंदन कृष्ण नंद नंदन कृष्ण में मिलकर दोनों एक हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, और जितनी भी मेरे गोपाल जी ने माधुर्य लीला की हैं ब्रज में, वो सब गोलोक बिहारी नंद नंदन कृष्ण ने की हैं। और जितने भी राक्षसों के संहार का और ऐश्वर्य में काम किया है, वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने किया है। अक्रूर जी लेने के लिए जब आए तो नंदनंदन कृष्ण में से निकलकर वसुदेव नंदन कृष्ण चले गए मथुरा। और नंदनंदन कृष्ण बोले, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो तो वृंदावन छोड़कर एक पैर भी आगे कहीं नहीं जाते, ऐसा नियम है। आज भी तो वो विराजते हैं। देवराज इंद्र ने बार बार माफी मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। जरा सोचो, देखो गलती तो ब्रह्मा ने भी की थी। ब्रह्मा भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के ले गए, हम कल चर्चा कर रहे थे, और एक वर्ष तक उन ग्वाल बाल बछड़ों को कृष्ण से दूर रखा ब्रह्मा ने, और फिर आकर के सैकड़ों श्लोकों में ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन कन्हैया बोले ही नहीं, भगवान बोले नहीं, ब्रह्मा को माफ किया नहीं। और इंद्र ने भी गलती की, इंद्र ने जोर से बारिश बरसाई, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन भगवान के चरणों में केवल सात मंत्रों में, सात आठ दस मंत्रों में इंद्र ने स्तुति गाई और भगवान ने माफ कर दिया। क्यों किया ऐसा? भाई ब्रह्मा का जो पद है वो इंद्र से तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक इंद्र एक मन्वंतर तक रहता है राजा, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर हो जाते हैं।
तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार इंद्र अपनी गद्दी छोड़ता है, इतना ऊंचा पद है ब्रह्मा का। फिर ब्रह्मा ने स्तुति गाई तो भगवान ने माफ नहीं किया, और इंद्र ने स्तुति गाई तो भगवान ने माफ कर दिया। क्यों? कहते हैं गलती दोनों ने करी, पर दोनों की गलती में अंतर है। ब्रह्मा भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए और एक वर्षों तक उनको कृष्ण से दूर रखा ब्रह्मा ने, और इंद्र ने भयंकर बारिश करी, भगवान ने गिरिराज को उठाया, और परिणाम क्या हुआ कि दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी थे वो 7 दिन तक गोवर्धन के नीचे कृष्ण के पास आ गए। तो ब्रह्मा की गलती में भगवान के भक्तों को दूर कर दिया, और इंद्र की गलती ने दूर रहने वालों को भी 7 दिन पास में ला दिया। इसलिए प्रभु ने इंद्र को माफ किया, ब्रह्मा को नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्षमा याचना करके देवराज चल, इदम द्रक्षदीद इदिंद्र एव इंद्र। भाई इंद्र का पद तो बहुत ऊंचा है, देवताओं का राजा है, माफी मांग ली भगवान ने कहा जाओ। ऐसा सुंदर भाव, ऐसी सुंदर मनस्थिति। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, यज्ञ पत्नियों को भी तो प्रभु ने सुख प्रदान किया। विप्रादुसद्गुणयुता दरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखा स्वपचं वरिष्ठम्। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होने चाहिए, शम दम तपह स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसूया। ये 12 गुण ब्राह्मण में होते हैं तो ही वो ब्राह्मण है। बारह गुण हैं पर भक्ति नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? गौ चराते हुए कृष्ण चले गए दूर, कन्हैया के सखा बोले हमें तो भूख लग रही है लाला। कन्हैया बोले जो टोसा बांध के लाए काए खोलो, बोले वो तो सब खत्म है गए हो, दूध भात दही भात कढ़ी भात पकौड़ी मगौड़ी कचौड़ी जो लाए सब खत्म है गई भैया। कन्हैया बोले तो ऐसे करो यहां पे थोड़ी दूर पे ऋषि हैं पंडित जी, वेद के चतुर्वेद के विद्वान ब्राह्मण रहे, उनके पास में जाओ, उनसे उनके घर से कछु मांग के ले आओ खाए वे। अब हम तो जंगल में, वहां गए महाराज तो ब्रह्मवादी ब्राह्मण बैठे थे यज्ञशाला में, स्वाहा 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 अग्निहोत्री चतुर्वेदी, और वहीं थोड़ी दूर पे उन सबकी पर्णकुटी बनी है, सबका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ऋषि कुमार हैं। कृष्ण के मित्रों ने जाके प्रणाम किया कि हे भूमि देवा श्रणुत कृष्णस्यादेश कारिण। पंडित जी महाराज हम आपको प्रणाम करें, हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं, और कन्हैया और बलराम दोनों भैया यहाँ पे गौ चराते भाई आ गए वन में, हमारा भोजन खत्म है गए हो महाराज जी, और बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे के ताई दे दे। बड़े सहज भाव में मांग लिया। पंडिता पगड़ा बड़ा, पंडित जी को बड़ा अभिमान, हम वेद के विद्वान, हम उपनिषदों के ज्ञाता, हम नाक बंद करते हैं, हम यूं करते हैं, हम यूं करते हैं। सो पंडित जी ने इन बच्चों की ओर टेढ़ी नजर से देखा, हवन कर रहे थे ना, कहां से आगे ग्वारिया गमार। अब बेचारे छोटे छोटे कृष्ण के मित्र वापस आगे लौट गए। कन्हैया कदम के नीचे बैठे कृष्ण बलराम दोनों बोले चूं भैया कछु लाए खावे काजे। ब्रजवासी बोले अंगार लाए 5 खाओगे। अरे ऐसे काय को बोल रहे हो, अरे कहां भेज दिया तुमने लाला। वो पंडित जी तो बड़े अहंकारी अभिमानी है, हमारी राम राम भी ना ली नहीं,
हमने प्रणाम करी, झुक के माथो धर दियो हमने तो जमीन में, हाँ बोले ही नहीं, ऐसे कर दियो इशारा, हम नहीं जाएंगे। कृष्ण बोले तुम बड़े भोले हो, मैंने कहा था कि पंडित जी के घर से लाना, और घर को मतलब तुम समझो, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी को घर कहते हैं। तुम पुरुषों के पास में क्यों गए, माता जी के पास जाते फिर देखते थाली भर के भोजन आता है कि नहीं, अच्छा अब फिर चले जाएंगे भैया। ये माताओं में महाराज बड़ी क्षमता होती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से थोड़ा संबद्ध है मेरा बचपन से, तो साल में एक दो कथाएं मैं वनवासी भाइयों के लिए भी करता हूं। वनबंधु परिषद वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वावधान में कलकत्ते में नेताजी इंडोर स्टेडियम में कथा कर रहा था, पूरा विश्व में लाइव प्रसारण था, और मैंने एक दिन बहनों से अपील कर दी कि देखो ये कथा हम बिल्कुल निशुल्क कर रहे हैं माताजी, हम किराया भी नहीं ले रहे हैं, ये हमारे वनवासी भाइयों के निमित्त ये कथा हो रही है। हमारे वनों में रहने वाले जो आदिवासी क्षेत्र के भाई हैं, जिनको रहने की सुविधा नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, शिक्षा का अभाव है, ईसाई मिशनरियां बड़ा काम कर रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं हमारे हिंदू भाइयों को और ईसाई बनाने में लगी हैं पूर्वांचल प्रदेश में, मैंने कहा ये कथा उन्हीं के उद्धार के लिए की जा रही है, उनके उत्थान के लिए। तो मैंने ऐसे बोल दिया, कल रुक्मणी विवाह है, आप सब लाना घर से, साड़ी गहना वस्त्र जो लाओ, और वो सब आदिवासी क्षेत्र की उन बहनों के यहां पहुंचाया जाएगा। पूरा पूर्वांचल में असम मेघालय मणिपुर इन सब क्षेत्रों में जो आरएसएस की संस्थाएं काम कर रही हैं, ये सब द्रव्य वहां जाएगा। मैंने ऐसे बोल दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, कलकत्ता उमड़ करके आया कथा में, और 3.5 ट्रक भर के तो साड़ियां, और एक भी साड़ी 4,000 से नीचे की नहीं, 3.5 ट्रक भर के साड़ियां थी, और इतने बर्तन इतने गहने माताओं ने प्रदान किए। लोगों ने मुझे बताया ठाकुर 108 पारायण थे, जैसे अभी दिल्ली में हम 108 पारायण कर रहे थे, लोगों ने मुझे बताया ठाकुर जी पूरी कथा में 80 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ और 3.5 करोड़ रुपए बचा वनवासी क्षेत्र के लिए, और ये कपड़े लत्ते गहने ये सब अब बहुत एकल विद्यालयों में बड़ी सहायता मिलेगी। तो माताएं तुल जाएं अपनी पे, तो महाराज ये तो देवी है साक्षात, हर कार्य में ये देवी का भारत है, ये मां दुर्गा की भूमि है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ब्रजवासी दोबारा चले गए, और अब के जाके न पंडित जी को राम राम करी न उनको प्रणाम करी। पंडित जी सुहा सुहा कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे फिर आ गए, एक बार भगा दिए फिर आ गए, पर बोल नहीं सकते। ये जब कलावा बन जाता है तो नियम रहता है बीच में उठना मनाए, भागवत का भी यही नियम है। व्यास गद्दी पर बैठ गए और कलावा यजमान ने बांध दिया, तो जब तक कथा चले तब तक व्यास का उठना मना है, व्यास गद्दी छोड़ना मना है, बीच में पानी पीना मना है, और बात तो छोड़िए, नियम तो श्रोताओं के लिए भी यही है, बोलो जय श्री कृष्ण, पर उनको थोड़ा छूट मिल जाती है, कोई बात नहीं। अपन जी के कलावा बना हुआ है, बेचारे उठ भी नहीं सकते और पूछ भी नहीं सकते क्यों आ गए। ये ब्रजवासी सीधे घर में ही घुस गए, यज्ञ पत्नियां बोली अरे आओ लाला कहां से आए बेटा, बोले माता जी थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम दोनों भैया आए भये हैं, और दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, बेचारे बहुत भूखे हैं,
आपसे कछु भोजन मांगियो है, आप कृपा करके दे दे। अरे उन माताओं की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया आए हैं, बलराम जी आए हैं, सुनो तुम 10 मिनट बैठो, अभी बनाती हैं हम, अभी देखो। सो महाराज माताओं ने आरस छोड़ा और जलाया चूल्हा, ऐसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ 4 प्रकार के बनाए, चूसने योग्य, खाने योग्य, मिष्ठान और नमकीन, 4 पदार्थ बना दिए। पंडित जी सुहा सुहा तो कर रहे हैं, पर नजर घर के दरवाजे पे ही है, और सुहा सुहा करते करते पंडित जी ने देखा कि घर आली जा रही है, आगे आगे छोटे छोटे वो बच्चे चल रहे हैं, पीछे पीछे थाली सजाकर ब्राह्मण पत्नियों सैकड़ों अपने अपने घर से निकली, ऊपर से थाली ढकी है और अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे कर लिया यज्ञ मंडप की ओर। पतिदेव देखेंगे पूछेंगे तो जवाब क्या देंगी। पंडित जी ने देखा ये तो बड़ी समस्या, कहां जा रही है, अभी 2.5 घंटा बाकी है, अभी हमारे हवन में 2.5 घंटा बाकी, हम बोल भी नहीं सकते। एक पंडित जी ने इशारा किया, बोल नहीं सकते, हाँ हूं तो कर ही सकते। तो यज्ञ मंडप में बैठे बैठे पंडित जी जोर से चिल्लाए, कहां चली, पंडितानी बोली नहीं, फिर स्वाहा करते जोर से चिल्लाए, पंडितानी जी ने कह दिया, तुम चुपचाप बैठे रहे हो, हम जहां जा रही हैं वहां ठीक ही जा रही हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवताओं को बड़ी गुस्सा, कहां जा रही हैं, बता भी नहीं रही हैं, आने दो। और जैसे ही वो यज्ञ पत्नियां गई महाराज, एक कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण बलराम दोनों बैठे हैं, और भगवान सुखदेव कहते हैं यज्ञ पत्नियों ने देखा कि श्यामम हिरण्य परिधि बनमाल्य वरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतां से विन्यस्त हस्त तरुणेन धुनानमब्जम कर्णोत कपालक कपोल मुखाब्जहासम। ऐसी सुंदर झांकी, एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण दोनों बैठे, यज्ञ पत्नियों ने देखा वो धन्य हो गई। आहा, गोपाल जी बोले आओ देवियों पधारो। यज्ञ पत्नियों ने कहा हम अपने पति देव के मुखारविंद से जिसकी झांकी का श्रवण करती हैं, ये वही तो है, वेदों ने जिसको नेति 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 कहकर के पुकारा, ये वही तो है, हम पुण्यवती हैं, भगवान को अपनी गोद में बिठा करके भोजन करा रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सावधान, एक बार ये दृश्य आंखें बंद करके दिल में उठा करके देखो। स्वाहा स्वाहा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, पर उन्हें कभी ये सुख मिला कि कृष्ण को गोद में लेके भोजन कराए। ये तो हमारी भक्ति स्वरूपा आदरणीय माताओं को यह सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके अंतर हृदय में निर्मल भक्ति है, बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है, श्रेष्ठ है। भगवान बोले अब आप जाओ माता घर को, वो तो जाने को ही राजी नहीं। बोले हम आ रही थी तो पति ऐसे ऐसे कर रहे थे, घुसने देंगे कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि पतयो नाभ्य सुयेरन, तुम्हें अपने पतियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है देवी, क्योंकि जिसकी श्रद्धा मेरे चरणों में हो जाए दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं होता। तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे। और वे लौट करके जैसे ही गईं, लिखा है पतियों के मन में बड़ी ग्लानि, पत्नी ने जो भगवत चरणों में प्रीति करी उससे पति की अहंकार की भावना बदल गई। और बोले दिग जन मनस त्रिविध विद्याम दिग व्रतम दिग बहुज्ञताम दिग कुलम दिग क्रिया दाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षजे, ऐसे ज्ञान ऐसी विद्वत्ता को धिक्कार है जो अधोक्षज कृष्ण से विमुख बना दे मन को।
अपनी पत्नियों का सम्मान किया, आदर किया, तो ऐसा नहीं कि वो भगवान से मिलके आई थी तो पति को कुछ समझे ही नहीं, ना ना ना, वो चरणों में गिर के बोली, पतिदेव हमें जो आज गोविंद का दर्शन हुआ है ये आपकी सेवा का फल है, ये आपकी सेवा का प्रताप है, आपके सत्संग आपकी यज्ञ उसी का तो फल आज प्राप्त हुआ। गदगद हो गए। तो भगवान ऐसे करुणा सागर हैं परीक्षित। ब्रज की गोपियों की मनस्थिति तो बिल्कुल बदल रही है और धीरे 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 भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को आश्वस्त किया था और कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे संग रास विहार करूंगा। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरं तुम मनश्चक्रे योगमाया उपास्त्रित। यहां से रास पंचाध्यायी का शुभारंभ करते हैं। जो रास के पांच अध्याय बड़े अद्भुत हैं, भागवत के पंच प्राण है, जिसमें सिवाय कृष्ण के कोई चाह नहीं, एक ही अभिलाषा, एक ही आकांक्षा गोविंद मिले। और 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाली समस्त गोपियां ये पूर्व जन्म के संत हैं, ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं, साक्षात वेदों के कर्मकांड के मंत्र हैं। और प्रभु ने सभी को आश्वासन दिया था कि ब्रज में आप सब गोपी रूप में पधारे, मैं सबसे मिलूंगा। आज मेरे गोविंद ने देखा शरद पूर्णिमा है, शरद ऋतु का शुभारंभ है। और जैसा कि मैं कथा में एक दिन कह रहा था कि साल भर की सबसे उजाली रात्रि होती है शरद पूर्णिमा, सबसे उजाली। सायंकाल के समय मेरे गोविंद यमुना किनारे गए और वहां जाकर के प्रभु ने वेणु का निनाद किया, वेणु को बजाया, ऐसी विचित्र वेणु बजाई। मैंने कल कहा था ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाए वही तो वेणु है। वेणु एक है और वेणु को बजाने वाले कृष्ण भी एक हैं, लेकिन वेणु के शब्द को सुनने वाली गोपियां अनेक हैं, यानी कि लाखों हैं। अब ध्यान देना, प्रत्येक गोपी को लगा ये तो मेरा नाम है, ये तो हमारा नाम है, क्योंकि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान सुखदेव कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। अब जो गोपी घर के जिस काम में व्यस्त थी उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने, क्योंकि जब भगवान से मिलने की तड़फन मन में जगती है तो ये नहीं लगता कि जरा पाउडर और लगा लें फिर चलेंगे, पर ये टाइम नहीं रहता कि बिंदी तो टेढ़ी है, फिर तो जिस अवस्था में उसी में दौड़ पड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव के परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद, इनका नाम था बालक नरेंद्र। तो गुरुजी भजन में बैठे थे, बालक नरेंद्र ने आकर के गुरुदेव से पूछा बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। गुरुजी बोले भजन करो मिलेंगे बेटे। पांच माला जप ली, फिर बोले गुरुजी बताओ ना भगवान कैसे मिलेंगे। अरे भजन करो बेटे मिलेंगे। 20 माला जपनी, फिर आखिर के बोले गुरुजी बताओ ना भगवान को। अरे बोला ना भजन करो। बच्चे ने 100 माला जपनी, कितना भजन करो 100 माला तो कर ली, भगवान कैसे मिलेंगे आप बताते नहीं।
गुरु जी बोले तुझे भगवान से मिला के ही आता हूं, अभी चल मेरे संग। गुरु जी उस बच्चे को लेकर के गंगा किनारे आके बोले डुबकी लगा, गंगा में स्नान कर, अभी मिलते हैं भगवान। अब बालक को तो बड़ी इच्छा थी कि प्रभु मिलेंगे। उसने जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई, गुरुदेव ने सिर पकड़ के नीचे दबा दिया। अच्छा, कोई व्यक्ति स्नान करे उसके सिर को आप दबाओ तो हालत खराब हो जाएगी ना जी। और तकरीबन 50 सेकंड तक गुरुजी ने हाथ नहीं हटाया। 50 सेकंड पानी में रहना कोई मजाक नहीं है, और वो भी बच्चा। गुरुजी ने देखा ये घबरा रहा, सो हाथ हटा लिया, बालक निकला। गुरुजी ये आपने क्या कर दिया, मैं तो मर ही जाता, मैं तो मरने ही वाला था, और आपने ऐसे मेरे को दबा दिया। गुरुजी बोले कैसा लगा, आनंद आया, मजा आया? बोले मैं तो तड़पने लगा था, आप बोलते मजा आया, मैं तो तड़पने लगा था गुरुजी। गुरुजी हंसकर बोले बेटे ऐसी ही तड़फन जब गोविंद से मिलने की होती है तब गोविंद मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बिना तड़फन के नहीं मिलता। और परमात्मा से मिलन की जो तड़फन है, इसी तड़फन की सर्वोत्कृष्ट परिणति का नाम है गोपी भाव। दोहंत्यो भी अयुक् कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संजावन अनुद्वास्या परायण। लिखा है एक गोपी गाय दोह रही थी, जैसे मुरली सुनी मेरा नाम है, बर्तन कहां पटक दिया मालूम नहीं, दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने। चरणों में पादुका नहीं है, गोबर लगा है, उसी परिस्थिति में दौड़ी। कोई गोपी अपने घर के आंगन में गोबर का चौका लगा रही थी, और जैसे मुरली को सुना, सुनो हाथ में यहां यहां तक गोबर लगाए, और गोबर के हाथों से दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। कोई घर में झाड़ू लगा रही थी, आज शरद पूर्णिमा है थोड़ा सफाई कर लूं, झाड़ू लगा रही थी, मुरली सुनी। लिखा है झाड़ू रखा नहीं, झाड़ू लेके ही दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने। रखने का टाइम किसको है, और रखने का टाइम यानी शुद्ध किसको है। अंजंत्या काश्चलोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, महाराज मुरली बज गई, और एक आंख में काजल लगा दूसरी में लगाया ही नहीं, एक आंख में काजल लगाया और उंगली में आधा काजल लगाया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी परिवेशयंतस्तदहित्वा, सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। प्राचीन समय में पत्नियां भोजन परोसती थी ना पति देव को, पति भोजन करते तो पंखा लेके बैठ जाती और फिर एक एक वस्तु देती जाती, ऐसे पंखा किया करती थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आप समझदार हैं। पति ने कहा थोड़ा राम रस दे दो, नमक दे दो। मांगा नमक, बज गई बंसी। एक मुट्ठी चीनी लेकर के दाल में डाल दी, शक्कर डाल दी दाल में, और भागी गोपी। पति ने कहा कहाँ, उसको स्वयं पता नहीं कहाँ। एक गोपी के पति बड़े जबरदस्त थे महाराज, जाने लगी तो पकड़ करके कमरे में बंद करके ताला लगा दिया डबल, कैसे जाओगी। गोपी बोली तुम्हें शरीर से प्रेम है, इस शरीर में शहद लगाओ, मधु लगाओ, चाटो, मैं उन गोपियों से भी पहले गोविंद के पास पहुंच जाऊंगी। और ध्यान प्राप्त चुता श्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला, अमंगल नष्ट हो गए, ध्यानस्थ हो गई, और दिव्य रूप लेकर उन गोपियों से भी पहले गोविंद के पास पहुंच गई। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी,
गोद में बेटियां उसको दूध पिला रही हैं, और जैसे ही बज गई मुरली महाराज, हाँ बच्चा कब डाल दिया उसने पलना में, उसको स्वयं पता नहीं, बालक पलना में कब सुला दिया मालूम नहीं, दौड़ पड़ी गोपाल से मिलने, ऐसी परिस्थिति बन गई। परीक्षित बोला, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले दुस्सह प्रश्न विरह तीव्रता पथुता सुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषा निर्वृत्याक्षी न मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रेष्ठ माने बल्लभ, भगवान राधा बल्लभ से मिलने का जो विरह है ना परीक्षित, वो इतना दुस्सह हो गया कि गोपियों से रहा नहीं गया। सब अमंगल तो जलकर के विरह रूपी अग्नि में नष्ट हो गए, दौड़ पड़ी। मेरे कन्हैया ने देखा मुरली बजा रहे थे, यमुना का किनारा है, बालुका चमक रही है, रात्रि में खिलने वाले फूल चमक रहे हैं, रात रानी, पूरा वातावरण सुगंधी का है वृंदावन। मेरे गोविंद ने देखा लाखों इधर से आ रही हैं, लाखों इधर से, लाखों इधर से, लाखों इधर से, जिधर देखें गोपी 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 दिख रही हैं। मेरे कन्हैया कदम वृक्ष के नीचे एक सुंदर से चबूतरे पर खड़े हो गए और गोपियों को देख करके मुस्कुराते हुए बाचह पेशैर विमोहयन, ध्यान से सुनना, मुस्कुरा करके बोले आओ स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणिव ब्रजस्यारामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आओ देवियो, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका। गोपी बड़ी खुश हो गई, देखो मुरली बजाई और मुरली में हमारा सबका नाम लिया और हम सब छोड़कर चली आई तो अब हमारा सत्कार कर रहे हैं, हमारा कैसा सम्मान कर रहे हैं गोपाल जी। गोपी मन में बड़ी प्रसन्न है और सम्मान करते करते कन्हैया बोले ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ क्यों आई हो? गोपी बोली कल लो बात, अब कारण क्या बताएं? भगवान बोले तुम्हें मालूम नहीं, जरा सी मुरली सुन ली और दौड़ी चली आई, ये कोई तरीका है? तुम इसलिए आ गई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा है? तो दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश करंजितम। गोपाल जी कहते हैं वन देख लिया ना आपने, राकेश चंद्रमा के द्वारा रंजित जो वन है, अरे 5 मिनट देखो चाहे 50 घंटे देखो, बात एक ही, जाओ लौट जाओ। अरे आपको इतना भी सहूर नहीं है, इतना भी तुम समझती नहीं हो। रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ऐसा रजनी घोर रूपा। कृष्ण बोले रजनी बड़ी घोर रूपा है, बड़ी भयावनी है, और जंगल में तो हिंसक जंतु भी रहते हैं। हाँ ऐसे ऐसे जंतु रहते हैं, ब्रेकफास्ट कर जाए 2 मिनट में पता ही नहीं चले, और तुम सब छोड़ के जंगल में चली आई, जाओ लौट जाओ। तुमको पता है तुम किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो, और नारी के लिए परम धर्म होता है पति सेवा, पतिव्रत परायण होना चाहिए पत्नी को। ओहो तुम इसलिए मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो और इसलिए तुम लौट करके वृंदावन नहीं जा रही हो क्योंकि तुम्हारा पति सुंदर नहीं है, ऐसा है क्या? तो कृष्ण बोले ऐसी भूल मत करना। हाँ
क्योंकि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जनो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री फिर नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। देखो कैसे ठोक ठोक कर परीक्षा ले रहे। कृष्ण बोले पति यदि सुशील नहीं है दुशीलो, पति यदि भाग्यवान नहीं है दुर्भगो, पति यदि सुंदर नहीं है वृद्धो बूढ़ा है, पति यदि धनवान नहीं है गरीब है दरिद्र है, तो भी पति स्त्री फिर नहातव्यो, स्त्री को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, ये नारी का धर्म है। और एक तुम हो, मुरली क्या बज गई, पति छोड़ के ही भागी आई, ये कोई तरीका है, जाओ लौट जाओ। तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, सासू जी की तो हालत खराब हो रही होगी, बहू कहां गई, और पति तो ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे होंगे, क्यों चली आई तुम। अभी तुमको पतिव्रत नारी के धर्म के बारे में नहीं मालूम। सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, भगवान गोपियों को कथा सुना रहे, एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की बड़ी सेवा करती, पति गरीब था, गरीब मतलब नितांत गरीब, क्या करे बेचारा, दोपहरी में जंगल में जाता, सूखी सूखी लकड़ियां बीन करके लाता, फिर उन लकड़ियों को बाजार में बिक्री करता, और जो उसको एक दो रुपए मिलता उसी से परिवार का पालन करता। कृष्ण बोले परिवार क्या था, पति उसकी एक पत्नी एक 15 महीने का बच्चा, बस ये परिवार था उसका। लेकिन देवियों गरीब होने के बावजूद वो इतना धर्मात्मा कि पति पत्नी रोज हवन करते थे, इसलिए वो नित्य अग्निहोत्री कहलाए। जो लोग रोज हवन करते हैं उनको अग्निहोत्री कहते हैं, और जो लोग अग्निहोत्री होते हैं उनके घर में 24 घंटे हवन कुंड में अग्नि जलती रहती है, रोज हवन होता है। अब बेचारा क्या करे, ओहो जून का महीना था, गर्मी से लथपथ हो गया, उसने आकर वो लकड़ी की गठरी डाली, देखा चौक में बरामदे में पत्नी बैठी थी, वो चावल बीन रही थी, चावल में से कंकड़ पत्थर निकाल रही थी बिचारी है, और उसका नन्हा सा बालक वो खेलते खेलते अग्निकुंड के पास में पहुंच गया। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। और वो बिचारी बैठी चावल साफ कर रही है, पति आकर के पत्नी की बगल में बैठा, और बैठते उसको थोड़ा हवा का झोंका इधर उधर से आया होगा, ऐसी उसको नींद आई, पत्नी की गोद में ही सर रख के सो गया। पत्नी ने चावल की थाली रख दी अलग, बिचारी पंखा करने लगी, मारे पति देव आए हैं थके हुए हैं। तब तक उसकी नजर पड़ी उसका 15 महीने का बच्चा नन्हा सा, अरे घुटमन घुटमन चलते चलते अग्निकुंड के पास में पहुंच गया। हे भगवान कहीं अग्निकुंड में गिर न जाए, अग्नि जल रही है, लेकिन कैसे करूं, पति तो मेरी उधर देखें तो बच्चा अग्नि, इधर देखें तो पति गोद में। अब उसने सोचा अब क्या करूं, बालक उसका खेलते खेलते अग्निकुंड में लुढ़क गया। पत्नी ने आंखें बंद कर ली, मेरा बच्चा जल करके भस्म भले ही हो जाए, लेकिन इस समय थके हुए आए पति को मैं जगा करके अपना पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती, और उसका बालक अग्निकुंड में गिर गया। श्री कृष्ण कहते हैं इतनी जोर से अग्नि जल रही थी, धूं 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 करके अग्नि की लपटें निकल रही है। 1.5 घंटे बाद जब उसके पतिदेव की नींद खुली तो पत्नी दौड़ी, हे भगवान मेरे बच्चा मेरा बालक कहाँ है, और दौड़ करके गई तो क्या देखा कि अग्नि की लपटें जल रही हैं कुंड में, और लपटों के बीच में उसका नन्हा सा बालक खेल रहा है, किलोल कर रहा है। उसके पातिव्रत धर्म के प्रताप से देवियों, पातिव्रत धर्म का ये प्रताप
अग्नि महाराज ने उसके बच्चे को तपने भी नहीं दिया, अग्नि की ताप लगने नहीं दी, शीतल हो गए, अग्नि जल रहे पर शीतल है। यह होता है पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य और धर्म। एक आप हैं साहब, मुरली क्या बज गई हैं, चल यही सब छोड़ के ये कोई तरीका है, जाइए। इसका क्या मतलब है? भगवान पहले जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, और जीव आ जाए तो स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत करते करते फिर ठोक पीट कर देखते हैं कच्चा है कि पक्का। मेरे पास में तो आया है पर कहीं संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया, कहीं संसार की भावनाओं को लेकर तो नहीं आया। यदि इसका थोड़ा बहुत भी मन पति में होगा, थोड़ा भी सासू जी में होगा, थोड़ा भी परिवार और बच्चों में होगा, तो मेरे मुख से सासू जी परिवार बच्चों की प्रशंसा सुनकर ये जरूर लौट करके चला जाएगा। और वास्तव में यदि मन मेरे में लगा होगा तो मैं भी दुनिया की कितनी बड़ाई करूं ये लौट कर जाने वाला नहीं है। यही इसका मतलब है, गोपियों की परीक्षा ले रहे प्रभु। कन्हैया बोले, हम बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, आप जवाब भी नहीं दे रही हो। अरे रात है देवी, शेर रीच भी डोलते हैं इधर। हाँ, और तुम करती क्या हो? गोपियां क्या कर रही थी पता है? वो खड़ी खड़ी अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही थी। कन्हैया बोले, जवाब दे नहीं रही हो, खड़ी खड़ी जमीन को कुरेद रही हो, क्यों? गोपी बोली, इसलिए कुरेद रही है, कभी तो गड्ढा होगा, गड्ढा हो जाएगा तो उसी में डूब के मर जाएंगी हम, लेकिन हम जाने वाली नहीं है। मई वम विभोर हति भवान गधि तुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम भक्ना भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। गोपियां कहती हैं, आप हमको घर जाने के लिए मत कहो कन्हैया, घर जाने की वार्ता आप हमसे मत करिए, क्योंकि आप तो कहते हो कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। सक्रिदेव प्रपन्नाय तमास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं, एक बार कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर के बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूं, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतत मम व्रतम, मैं प्राणी मात्र से उसको अभय देता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है, और हमसे घर जाने को बोलते हो क्यों? और यत्पत्य पत्य सुरदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा तो योक्तम। गोपियां बोली, आपने हमको कहानी भी सुनाई, एक पतिव्रता नारी की कहानी सुनाई, अच्छा लगा। एक गोपी बोली, ऐसी दस पांच हम भी जानती है कहानी। कृष्ण बोले, जानती हो तो बताओ, हम कोई मना कर रहे हैं क्या? गोपी बोली, एक पतिव्रता स्त्री थी। कृष्ण बोले, ठीक है, पति की सेवा करती थी, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हंसाती नचाती रुलाती बहुत सेवा करती थी, और जब तक पति भोजन न कर ले पानी नहीं पीती थी। ठीक है, एक दिन पति बोले, हमको परदेश जाना होगा पैसे कमाने के लिए। पत्नी बोली, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, हाँ मैं नहीं रह सकती। पति बोले, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो पति ने अपनी जैसी सुंदर मूर्ति बनवाई और मूर्ति बना के बोले, ये मैं हूं, अब इसकी खूब सेवा करना, ऐसे थाली दिखा के भोग लगा देना,
आरती करना, पूजा करना। देखो मेन गेट बंद रहना चाहिए, बड़ा घर था। अब वो मेन गेट को बंद रखती है और 24 घंटे पति की सेवा, नलाना धुलाना खिलाना पिलाना है। सामने ऐसे बैठ जाती, माला जपती पति नाम की। सेवा तो सेवा है। 15 महीने बाद पति देव लौटे, बड़ी पोल्ट्री कटरी बांध के लाए थे बेचारे, कमाई करके आ रहे। गेट पर खड़े, खोलो। अब वो कर रही है पति की पूजा, बुझाने कौन आ गया है, क्यों खोलूं? उसको मालूम नहीं मैं पति की सेवा कर रही हूं, क्यों खोलूं? अब वो घंटों तक सांकर खटखटाता रहा। वो कहती है मैं तो सेवा छोड़ूंगी नहीं, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे मुझे पातिव्रत धर्म का पालन करना है। 1.5 घंटे तक वो सांकर खटखटाता रहा, वो खोलने गई ही नहीं, पूजा चल रही है। कृष्ण बड़े गौर से सुन रहे। गोपी बोली आप क्या समझते हैं, उसको दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं, आप ही बताओ। कन्हैया बोले कर लो बात। अरे भाई जब सच्चा पति आ गया है और वो द्वार पे खड़ा है बेचारा, तो मिट्टी के पति की पूजा काहे को करती है? इसको तुरंत जाके द्वार खोल के पति को घर में आमंत्रित करना चाहिए। इसमें कोई पातिव्रत धर्म नष्ट होता है क्या? अरे सच्चा पति आ गया। गोपियों ने जोर से ताली बजाई, बोले अपने मुख से आपने न्याय कर दिया गोविंद। अब तक हमने भी मिट्टी के पतियों की बड़ी सेवा करी, लेकिन जब सच्चा पति परमेश्वर मिल गया तो उन पतियों की सेवा का आग्रह आप हमसे क्यों करते हो? देखिए यह समझने की बात है, इस शरीर के प्रति जब तक व्यक्ति की देहात्म बुद्धि होती है, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, जब तक वो शरीर को आत्मा मानता है तो शरीर का ही पति है, शरीर की ही सासू जी है, शरीर का ही बेटा है, शरीर का ही मकान है, शरीर का ही बैंक बैलेंस, शरीर का ही लॉकर है, शरीर की ही गाड़ी बंगले हैं, सब कुछ शरीर का है कि नहीं? लेकिन और इसका निर्वहन होना चाहिए क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन व्यक्ति ये चिंतन करने लगे मैं शुद्ध हूं, नित्य हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा, मैं शरीर नहीं आत्मा, और वो आत्मा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम त्रिलदियंति आपो, न शोषयति मारुत, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वो नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत आत्मा हूं मैं। और चिंतन करते करते जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाता है और ये समझ लेता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, तो आत्मा का पति सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा हो सकता है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। आत्मा का पति तो केवल गोविंद है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। हम नहीं जाएंगे घर, कहते हैं कन्हैया चुप हो गए। और गोपियों ने कहा ठीक है तुम्हारी बात मानकर चली जाएं। तो चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विश्यत्युत करौ अपि गृहीय कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला याम कथम ब्रजमतो करवाम किंबा। बहुत सुंदर भाव है। हमारे चित्त को तो चित्तचोर तुमने चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने सुख से हमारे चित्त को चुरा लिया। और यन निर्व सत्य तो करो अपिगृहीय कृत्य, हमसे कहते हैं घर जाओ, ये करो, वो करो, ये करो। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्,
आपके चरण कमलों को छोड़ करके हमारे पैर घर जाने को राजी ही नहीं है, और यदि तुम्हारी बात मानकर चले भी जाएं तो करवाम किंबा, वहां जाकर करेंगी क्या, क्योंकि मन तो तुम में है। आपको नहीं मालूम, ठीक है दिल प्यारा होता है, पर दिल से प्यारा गोविंद तुम हो। बिंदु जी महाराज कहते हैं, बिंदु जी का बड़ा सुंदर पद है, बिंदु आंखों से बहा बैठे हैं उल्फत की नदी, मैं हूं मझधार में घनश्याम किनारा तू है, तेरा कब जाए हर एक दिल पे कोई दे या न दे, दर्दे दिल तू है और दिल भी हमारा तू है। मुझको तो तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं, रोशनी जिनमें है आंखों का वो तारा तू है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। दिल दुखाने का दावा भी करूं किस पे करूं, दिल दुखाने का जो दावा भी करूं किस पे करूं, दर्दे दिल तू है और दिल भी हमारा तू है। तो दिल तो तुम हो, पर तुम्हारी याद में जो दर्द मिला है वो भी तो तुम्हारा है, इसलिए हम शिकायत किससे करें। अब कहीं जा नहीं सकती हैं, हमारा तो सर्वस्व गोविंद है। भगवान ने कहा ये तो बहुत ऊंची स्टेज पर है, और भगवान गोपियों के साथ में रास करने लगे, और लिखा है जितनी गोपी थी ना उतने कृष्ण बन गए, और सुखदेव जी कहते हैं आत्मा रामो प्यरी रमत, भगवान आत्मा राम होने के बावजूद गोपियों के संग रमण कर रहे हैं। और कैसे बोले, यथार भकव स्व प्रतिबिंब विभ्रम। अर्भक कहते हैं बच्चे को, यथार्भ का स्व प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे छोटा बच्चा और खम्भे के सामने नाच रहा है, खम्भे में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, ऐसे ही गोपियों के संग परमात्मा रास कर रहे हैं, ये मेरा ही तो प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस भावना से वहां रास हो रहा है। बीच में राधा माधव और दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, ऐसा भगवान गोपियों के संग रास क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन गोपियों को लगा भगवान तो गोपियों के संग रास इस भावना से कर रहे हैं कि ये जीव है मैं ईश्वर हूं, लेकिन जीव के अंदर जिस कमी की संभावना बनी रहती है वो यहां भी हो गई। हम ज्यादा सुंदरी है ना जी, हमारे सौंदर्य पे मोहित होकर के रास कर रहे हैं ये। कृष्ण बोले यहां तो वही कमी आ गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान कोई चमड़ी देखते हैं क्या, गोरी की काली, ये कभी नहीं देखते वो गोरा है कि काला। भगवान ये भी कभी नहीं देखते आपने 50,000 की साड़ी पहनी कि 500 रुपए की। भगवान ये भी नहीं देखते आपने डायमंड पहना है कि गोल्ड पहना है। भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम मुझसे मिलने मर्सिडीज में बैठ के आए हो कि लखटकिया नैनो में बैठ के आए हो। भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि तुम पैदल चल के आए हो कि साइकिल पर लटक के आए हो।
भगवान ये देखते हैं तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छेत्र न भावा। गोविंद बोले ये तो ठीक नहीं है। और भगवान कितासाम तत्सौभगमदम भिक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपियों के मन में सौभग मत हो गया, हम सुंदरी हैं इसलिए रास कर रहे हैं। और राधारानी को लगा हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं, जैसे उनके संग नाच रहे वैसे ही हमारे संग। तो तासाम तत् सौभग मदम मिक्षमानम च केशव, गोपियों के सौभग मद को दूर करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों के अहम का प्रशमन करने के लिए और राधा रानी को प्रसाद आय प्रसन्न करने के लिए राधा को संग लेकर तत्रैव अंतर्धीयत, भगवान वहीं अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए गोपाल जी। और कोई बहुत मूल्यवान वस्तु, ध्यान से सुनना, कोई बहुत मूल्यवान कोहिनूर हमें फ्री में ही मिल जाए तो उसका महत्व तो हमारी नजर में धीरे धीरे कम हो जाता है, उसके महत्व को हम कब समझते हैं, जब उसका वियोग हो जाता है। अब गोपियों ने कहां गए कृष्ण, अभी तो गलवैया में नाच रहे थे, अब तो खाली हो गए गलवैया। गोपियों ने ढूंढा, हे श्री कृष्ण कहां हो, हे श्री कृष्ण कहां हो, हे गोपाल जी कहां हो, आकर के मिलो ना, दर्शन दो ना। इतना ढूंढा इतना ढूंढा इतना ढूंढा वृंदावन के इस पवित्र वन में, पर कन्हैया कहीं नहीं मिले। और ढूंढते 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 गोपियों की ऐसी स्टेज आ गई कि जो मिले उसी से पूछ रही है। तन्मयता आ गई ना, यान्ति तन्मयताम हिते। ये तन्मय होना नितांत जरूरी है भक्ति सिद्धांत में। हमारे रसिक संत कहते हैं को जन को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। जब व्यक्ति विरह से व्यथित होता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि मैं जड़ से बात कर रहा हूं कि चेतन से। राम जी की स्थिति के खे खग मृग खे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। बिल्कुल वही स्टेज गोपियों की, सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, अरे आप तो विष्णु रूप हैं, बताओ ना हमारे गोपाल जी कहां गए, हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण पीपल देवता कहां चले गए, आप ऊंचे भी हो आपने देखा होगा, बताओ किधर है। पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक गोपी बोली ये थोड़ी बताएगा, दुनिया इस पे पानी चढ़ाती है ना, दुनिया इसके नीचे दीपक जलाती, अहंकारी हो गया है, देखे भी होंगे तो बताएगा थोड़े ही। बगल में खड़ा था बटका वृक्ष तो बटके पेड़ से पूछने लग गई, अरे आप तो वृक्षों में सबसे बुजुर्ग हैं, बताओ ना हमारे प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए। लाखों गोपी बट वृक्ष को घेर कर खड़ी हैं, पूछ रही हैं। अब उसने जवाब नहीं दिया तो बोली क्यों पूछ रहे हो इससे, इसकी बुद्धि सठिया गई है, बट वृक्ष की दाढ़ी बहुत होती है ना, बुढ़ापा आ गया, बुद्धि सठिया गई है, काम नहीं कर रही है, देखे भी होंगे तो बताएगा थोड़ा ही। थोड़ा आगे चली तो कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय,
हे गोविंद के चरणों की परम प्रेसी देवी तुलसी, बताओ ना श्री कृष्ण कहां गए। तुम तो नित्य चढ़ती हो कृष्ण पर, उनके चरणों में चढ़ती हो, शालिग्राम पर ऊपर चढ़ती हो देवी, हाथ जोड़कर तुलसी से पूछ रही है। तुलसी माता ने जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली, ये बताएगी, अरे ये तो सौत है हमारी, जिन चरणों की हम चाह रखती है उन चरणों में रोज चढ़ती है, ये थोड़ी चाहेगी कि हमारे चरणों को कोई दूसरा ले ले, ये तो सौत है, ये नहीं बताएगी। गोपियों को ऐसा लग रहा है नाग पुन्नाग चंपक रात में खिलने वाले रातरानी के फूल वृक्ष सबसे पूछ रही है, किसी ने जवाब नहीं दिया। हे कृष्ण कहां हो, हे गोविंद कहां हो, हे गोपाल जी कहां हो, आओ प्राण वल्लभ, आओ राधिका वल्लभ, हमें दर्शन दीजिए। लेकिन जब नहीं मिले तो कृष्ण को ढूंढते 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 गोपियों को लगा मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णो हम पश्चत गति, किसको ढूंढ रहे हैं हम ही तो कृष्ण हैं। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई, मैं हूं वे गई लाल। और वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्मवित ब्रह्मई भवती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। ये बहुत ऊंची स्टेज है। इस स्थिति पर चिंतन, चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति है ये कि आपको लगे तादात्म्य अपन्नता में और वो दोनों अभेद हैं। छड़ी रख ली हाथ पे कंधे पे, हियो हियो कारी काजर धौरी धूमर रंग गुलाबी चटका, अरे अरे मधमंगल, अरे सुबलतो श्रीदामा, यहां पे आओ, बटवृक्ष के नीचे बैठकर यहीं भोग लगाएंगे। एक बोले, अरे जोर की बारिश आ रही है, लाला कछु करियो। एक गोपी ने तुरंत अपनी फरिया ऊपर उठा दी, डरो नहीं, मैंने गिरिराज जी उठा लिए, सब आ जाओ नीचे, डरने की जरूरत नहीं है। ये नाटक नहीं, सुखदेव कहते हैं ये अनुकरण नहीं कर रही है कृष्ण लीला का, ऑटोमेटिक हो रहा है। अनुकरण में तो ये पता रहता है कि नाम तो मेरा हरिश्चंद्र है पर पाठ कर रहा हूं रामचंद्र का, इसको अनुकरण बोलते हैं। लेकिन गोपियां जो हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि हम गोपी हैं, उनको तो लग रहा है हम ही कृष्ण हैं। कृष्णो हम पश्चित गति। थोड़ी देर बाद उनको नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हम कृष्ण नहीं, हम तो गोपी हैं। फिर याद आई राधा रानी को लेकर के कृष्ण गए, किशोरी जी ने जरूर लीला ही करी, नाटक ही किया। और मन में सोचा मैं यदि गोपियों से दूर रही तो उनको कृष्ण मिल नहीं सकते, चाहे मुझे थोड़ी देर के लिए लालजी से अलग होना पड़े, पर बिना मेरे तो गोपियों को गोपाल मिलेगा नहीं। इसलिए किशोरी जी बोली, अजी कहां लिए जा रहे हो, मो पे तो चलो ना जाए। कन्हैया बोले, आप चल नहीं सकते, कंधा पे बैठ जाओ। बोले, सो तो बैठ जाऊंगी। अब जैसे ही गोविंद जी झुके बिराजो और बैठने को किशोरी जी तैयार हुई, गोविंद वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये लीला है। अब ढूंढती ढूंढती गोपियां आई, लाडली जी को देखकर बोली, आपको भी छोड़ गए। बोले, जो कमी तुम्हारे मन में आई सो मोह में आ गई होएगी, या लिए हमको भी छोड़ गए। अब राधा रानी मध्य में विराजमान हैं, गोपियां बैठी हैं, और हाना तरमण प्रेष्ट
क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। हमारे वृंदावन के पांच प्राचीन ठाकुर हैं, ध्यान से सुनना। और गोपियों ने यहां पर उन ठाकुरों का नाम लिया तो पांच ठाकुर देवालय प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा हा नाथ तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। वृंदावन का बहुत प्राचीन ठाकुर श्री गोपीनाथ। फिर बोली हा रमन तो राधा रमन जी महाराज प्रकट हो गए। फिर बोली हा प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने वल्लभ, श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए। क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज कहा तो श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। दास्यास्ते कृपणाया में सखे, सखे कहा तो श्री मदन मोहन देव जी प्रकट हो गए। ये हमारे वृंदावन के पांच अति प्राचीन ठाकुर हैं, गोपीनाथ, राधा रमन, राधा वल्लभ, गोविंद देव, मदन मोहन और बांके बिहारी तो हमारा ग्वारिया ठाकुर है ही, बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, उसकी तो चितवन की मत पूछो। जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा सरंदो। प्रेम से बोलो जय श्री। चितवन बड़ी खतरनाक है गोपाल की, बिंदु जी का पद है। तो गोपियों ने इस प्रकार से हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, पांच देवालय पांच ठाकुर अलक्षित रूप में प्रकट हैं। पर गोपियों ने बहुत ढूंढा, किशोरी जी के साथ में बैठकर पुकारा, पर राधा रानी बोली अब ढूंढना बंद करो, यमुना का आश्रय लो। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, सरजू वैराग्य का प्रतीक है, यमुना भक्ति का प्रतीक है। गंगा के किनारे काशी ज्ञान की नगरी है, ध्यान देना। सरजू के किनारे स्त्री अयोध्या वैराग्य की भूमि है, पर यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन भक्ति का साम्राज्य भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति नृत्य करती है ऐसा ये पवित्र वृंदावन। तो यमुना के किनारे गोपियां आ गईं और पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। यमुना के किनारे आकर मैंने भक्ति का आश्रय लिया। वैसे तुम कृष्ण को पुकारोगे पुकारोगे तो कृष्ण को ढूंढने तुम्हें जाना पड़ेगा, और विशुद्ध भावात्मिका भक्ति को पकड़ लोगे तुम तो तुम्हें कृष्ण को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, कृष्ण तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पास आ जाएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। और गोपियों ने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से गोविंद मिलन की कामना को लेकर के गोपी गीत गाया। बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, रुपटीनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे द्वारिकाधीश की।